देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एडीएम की फर्जी फेसबुक आईडी के माध्यम से पैसों की डिमांड, एफआईआर थाने में दर्ज। उत्तर प्रदेश में जहां सरकार द्वारा अपराधियों पर शिकंजा कसने की कवायद बड़ी तेजी के साथ जारी है, वहीं जनपद रामपुर में अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। कुछ इसी तरह का एक मामला उस समय सामने आया जब अपर जिलाधिकारी प्रशासन जेपी गुप्ता के नाम से किसी ने फेसबुक आईडी बनाकर पैसों की डिमांड कर डाली। जब यह मामला एडीएम के संज्ञान में आया तो उनकी ओर से इस मामले में अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कराया गया। जनपद रामपुर में जगदम्बा प्रसाद गुप्ता अपर जिलाधिकारी प्रशासन के पद पर तैनात थे। वह उस समय चर्चा में आए जब सपा के कद्दावर नेता एवं सांसद आजम खान पर जब उनकी ओर से उनके घर की रेकी कराए जाने की घटना का मामला सामने आया। आजम खान पर मुकदमों से लेकर जेल जाने तक जेपी गुप्ता ने बतौर एडीएम ने कानून के मुफादिस के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया। उनकी इस तेज तर्रार छवि को देखते हुए राजनीतिक एवं आपराधिक जगत में षड्यंत्र शुरू हो चुका है। इसी के तहत उनके नाम से किसी ने फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई और उस आईडी के माध्यम से कुछ लोगों से पैसों की मांग कर डाली। इस संबंध में उनकी ओर से अज्ञात के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। अब उनके खिलाफ इस कृत्य में कौन शामिल है और उनके नाम से फेसबुक आईडी बनाए जाने वाला व्यक्ति कौन है, या तो पुलिस की जांच का विषय है जिसका पर्दाफाश करने के लिए पुलिस भी तथ्यों को खंगालने में जुट गई है। एडीएम ई के नाम से जो मेरा फेसबुक है, तो उस फेसबुक अकाउंट की क्लोन करके एडीएम ई के नाम से फेसबुक की एक आईडी बनाई गई फर्जी। और कल मुझे जैसे ही मालूम हुआ, लोगों ने सूचनाएं भेजी कि सर आपके आईडी से फर्जी बना करके और पैसे की डिमांड की जा रही है। तो मैंने तत्काल इसका संज्ञान लिया और तत्काल इस पे एफआईआर दर्ज कराई है। हमारी एफआईआर थाना सिविल लाइन में दर्ज हो गई है, धारा 420 और आईटी एक्ट की 66 के अंतर्गत। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज।